तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूँ संजय, आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल टेक एसपी सपोर्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक नया डैशबोर्ड लेके आया हूँ। मैं आज इस वीडियो में आपको नया डैशबोर्ड की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और उसको बनाना बताऊँगा कि किस तरह उसको बनाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, उस डैशबोर्ड का नाम है कनेक्ट म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन, कनेक्ट म्यूजिक डैशबोर्ड। तो वीडियो को लाइफ तक जरूर देखना, तभी आप समझ में आएगा कि किस तरह डैशबोर्ड बनाना है, किस तरह क्या करना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको डैशबोर्ड बनाना बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि वो कौन सा डैशबोर्ड है, कैसे बनाए। तो वीडियो को पूरा लाइफ तक देखना, तभी आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। हमें सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर आपको गूगल या क्रोम ओपन करना है। मैंने यहाँ पे लैपटॉप के अंदर बता रहा हूँ क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे सर्च करना है कनेक्ट CONNET कनेक्ट म्यूजिक डैशबोर्ड। देख सकते हो दोस्तों, कनेक्ट म्यूजिक डैशबोर्ड आपको सिंपली ये लिख के यहाँ पर सर्च करना है। आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हो इस वीडियो को रोक के भी। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट म्यूजिक डैशबोर्ड यहाँ पर सर्च करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे खुलकर ओपन होती हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, जैसे देख सकते हो यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी यहाँ पे डैशबोर्ड की जो साइट है वो दिखाई देगी। तो हमें यहाँ पर सबसे ऊपर आना है और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देगी, देख सकते हो साइलेंट लॉगिन कनेक्ट म्यूजिक। हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो हमें थोड़ा वेट करना है, उसके बाद आपके पास एक नया इंटरफेस खोल कर ओपन होएगा। तो देखते हैं, तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। तब तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना। तो देख सकते हो लोडिंग ले रहा है, तो इसको खुलने देते हैं। तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे साइलेंट लॉगिन यानी कि डैशबोर्ड का जो वही है यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करता हूँ तो आपको इसकी सर्विस बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, देख सकते हो मैंने यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वी डोंट जस्ट ड्रॉप यूर म्यूजिक वे एंड डिलीवर इट, यानी कि अपने सॉन्ग को डिस्ट्रीब्यूट करने का बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड है। तो इस पर आपको देख सकते हो मैं आपको यहाँ पे 100% यहाँ पे हमें रॉयल्टी मिलेगी। तो यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो यहाँ पे इन सभी जगहों पे सो अपना सॉन्ग अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है यहाँ पे देख सकते हो, और नीचे आपको दिखा दूँ किस तरह इसको बनाना है। तो यहाँ पे नीचे आपको दिखा दूँ, देख सकते हो अपना सॉन्ग यहाँ पे यूट्यूब साउंड क्लब देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इंस्टाग्राम टिकटॉक फेसबुक ट्रेलर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना सॉन्ग अपलोड होएगा। और यहाँ पे 60 डे आफ्टर यानी 60 दिन के बाद अपना यहाँ पे पेमेंट आना चालू होएगा 2 महीने के अंदर, और यहाँ हर महीने की 15 तारीख को अपना इसका पेमेंट अपने खाते में आएगा। तो इसको किस तरह बनाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे देख सकते हो नीचे यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड इनविटेशन हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट एंड इनविटेशन पर क्लिक करोगे तो हमारे पास इस प्रकार का फॉर्म यहाँ पे खुलकर ओपन होएगा। तो इसको यहाँ पे पूरा फिल करना है, तो क्या क्या लिखना है मैं आपको दिखा दूँ बार बार के। यहाँ पे फर्स्ट नेम पे आपको अपना नाम डालना है, मैं आप पे अपना नाम डाल देता हूँ। और यहाँ पे लास्ट नेम पे आपको आपका लास्ट नेम डालना है, और यहाँ पे योर रोल यानी कि आप आर्टिस्ट और ब्रांड हो या फिर लेबल या मैनेजर जो भी हो आपको डाल देना है। मैं यहाँ पे आर्टिस्ट डाल देता हूँ। यहाँ पे ईमेल डालना है तो मैं यहाँ पे एक ईमेल डाल देता हूँ जो अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर वेरीफाई का मेल जाएगा।
तो मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, देख सकते हो मैंने अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे रेफरल, यहाँ पे आप इसको नो रेफरल कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखना है, यहाँ पे पर्सनैलिटी, कंपनी और ऑनर, तो हमें यहाँ पे पर्सनैलिटी करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेवल नेम देख सकते हो, योर लेवल नेम और नेम कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे अपना लेवल जो भी रखना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो एप्पल म्यूजिक की लिंक, स्पॉटिफाई प्रोफाइल की लिंक, साउंड क्लब पेज की लिंक, और यहाँ पे यूट्यूब वीडियो जो अपना चैनल है उसकी लिंक डालनी है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड की, यानी कि जो भी आपका, आप क्या है सिंगर हो जो भी हो, आपको यहाँ लिख देना है। जैसे आई एम अ सिंगर, देख सकते हो इस तरह यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे विच डिस्ट्रीब्यूट यू रिसेंटली, यानी कि आप अगर आप और भी डैशबोर्ड यहाँ पे यूज करते हो तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो डू यू हैव बैक कैटलॉग यू लाइक द ट्रांसफर ऑनर, यानी कि आप इस पर पहली बार सॉन्ग अपलोड कर रहे हो या पहले से भी किया है, तो हमें यहाँ पे नो लेट स्टार्ट फ्रेश पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है। बट हमें उससे पहले इन सभी जगहों पे अपना यहाँ पे लिंक डालना है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, देखते हैं नाम से होता है या नहीं। आप यहाँ पे अपना नाम लिख के भी इसको भर सकते हो। यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल की लिंक डालनी है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, देखते हैं नाम से होता है या नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों देखते हैं, देख सकते हो मैंने यहाँ पे जैसे सबमिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हो थैंक्स यू कनेक्टिंग विद द कनेक्ट म्यूजिक टीम, वी रिव्यू इन एप्लीकेशन एंड फॉलो अप विद 7 to 10 डे बिजनेस डे, यानी कि हमने जो यहाँ पे फॉर्म भरा था वो यहाँ पे रिव्यू में चला गया है। अब आपको 7 से 10 दिन के अंदर अपने ईमेल पे वेरीफाई का मेल आएगा, उस पर क्लिक करके आप वेरीफाई करना है। तो किस तरह करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड है, आप इसको बना सकते हो। तो इस 7 दिन के बाद आपको ये भी वीडियो मिलेगी, तो उसको ज़रूर देख लेना। मैं उसमें आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, सॉन्ग अपलोड करना भी उसी में बताऊँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो मैंने प्रोसेस बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसी तरह यहाँ पे डैशबोर्ड बनाना है, और मैं आपको इसकी नेक्स्ट जो वीडियो है, जैसे मेरा यहाँ पे डैशबोर्ड बनेगा मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, यानी कि सॉन्ग अपलोड करना आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर इसमें साइन अप करना बता दिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे सॉन्ग अपलोड करना सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।